बहुत ही लंबे समय के इंतज़ार के बाद में अब ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लोगों के सीएचओ की भर्ती जो है वो पूरी होने के कगार पर आ गई है। कल जो दो बड़ी खबरें आप लोगों के लिए आई वो थोड़ी लेट आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कल वीडियो बनाएंगे, तो अभी सुबह मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। सीएचओ की भर्ती से जुड़ी हुई दो जो बड़ी चीज़ें हैं सामने निकल कर आ रही है, एक तो जो 22 फरवरी कल थी, तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि कोर्ट के अंदर जो अंतिम रूप से सुनवाई हो सकती है वो 22 फरवरी को होगी, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो कल यानी कि 22 फरवरी को इसके संबंध में कोर्ट के द्वारा डिसीजन आ गया है। कोर्ट ने क्या डिसीजन में कहा है और क्या जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ जो कल भरत बेनीवाल जी है वो भी स्वास्थ्य भवन में थे और उन्होंने कई अफसरों से मुलाकात की रिजल्ट के बारे में और अन्य पैरामेडिकल भर्तियाँ हैं उनके संबंध में, तो उन्होंने क्या अपने बयान जारी किए उसको अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एकमात्र ऐसे चैनल है जो आप लोगों को सीएचओ से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट है वो समय पर पहुंचाते हैं और जो खबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है उसी को दिखाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपकी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कल स्वास्थ्य भवन में भरत बेनीवाल जी ने जो अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी उसके अंदर क्या फैसले रहे और जो क्या आगे की प्रक्रिया चलने वाली है उसके संबंध में उन्होंने एक बयान जारी किया था, तो मैं आप लोगों को उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको देखिए और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो कल कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन हुआ। प्रूफ के साथ पीडीएफ के साथ मैं आप लोगों के साथ बात की जाएगी कि क्या कोर्ट ने इस भर्ती को लेकर कहा है और किस प्रकार से भर्ती से स्टे हटा के आप लोगों के लिए खुशखबरी दी है उसके बारे में आगे पूरी जानकारी लेंगे। तो आप लोग पहले जो है ये भरत बेनीवाल जी की जो वीडियो है उसको देखिए। ये उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि कैडर का काम प्रक्रिया दिन चल रहा था, लगभग एंड होने वाली है उसकी प्रोसेस। लगभग जो पैरामेडिकल के जो मेन मेन जो डिप्लोमाज थे जिनके लिए कैडर बनवाना था, तो उसके लिए पॉजिटिव खबर है साथियों। उसके बाद आ जाते हैं मुख्य रूप से जो हमने सारी भर्तियां लिस्ट वाइज जो मेन मेडिकल की अपने विभाग की पूरे की जो भर्तियाँ थी उनको लिस्ट वाइज हमने किया था और सारे आज लेटर सारे दिए, अभी सारी बातें हुई। निरंजन आर्य जी ने भी और जो अदर अधिकारी थे उनसे भी निरंतर दो तीन दिन से लगातार हमारी वार्ता चल रही थी। सीएचओ के लिए आज नरेश ठकराल जी से हमारी वार्ता हुई, वो भी अभी आपको फोटो भेज दी जाएगी। खुद ऑफिस से बाहर आ गए, उन्होंने हमें पूरी चीज़ एक एक चीज़ जो सिद्धार्थ महाजन जी का ऑफिस है उसके सामने की फोटो आ जाएंगी नरेश ठकराल जी के साथ, उनसे सारी बात हो गई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्तियों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो साथियों की जो समस्याएँ चल रही थी उन साथियों को मैं एक बार कहना चाहता हूं कि फिजिकली जो आप लोग अपनी शिकायत है इसको यहां तक ज़रूर पहुंचाइए। क्या जो पोर्टल ओपन होने में कितना टाइम लगता है कितना टाइम नहीं लगता है उसका अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। परसों सीएचओ के लिए मैं साफ शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं, परसों तक साथियों, परसों कमेटी का फाइनल डिसीजन है। जो जो मुद्दे थे, एक तो जाति प्रमाण पत्र वाला कि भाई कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र का गड़बड़ हुआ था मामला, दूसरा मूल निवास का, तीसरा जो महिलाएं थी जिनकी शादी हो रखी थी और उनके हस्बैंड के नाम से मूल निवास था और पिता के नाम से मांगा गया था उसका, प्लस जो अदर जो मैटर थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, विकलांगों से रिलेटेड थे, जितने भी मामले थे करेक्शन के थे, क्रिमिनलियर नॉन क्रिमिनलियर के, उन सभी मुद्दों पर फाइनली आप देख लीजिए कि उसका परसों कमेटी का डिसीजन आएगा और उस कमेटी के डिसीजन के बाद जो भी उसमें निर्णय होते हैं उसमें सारा काम हो जाएगा। साथियों, अगर उसमें निर्णय में कोई भी नेगेटिविटी आती है तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने फिजिकली एप्लीकेशन नहीं लगाई है वो भी दो दिन में लगा दें ढंग से, सभी को पॉजिटिवली उसमें जिन जिन लोगों का जो हो सकता है वो करवाया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई नहीं होता है तो हम लोग इस भर्ती में, वैसे तो केवीएट लगी हुई है स्टे तो आ ही नहीं सकता है, लेकिन जिस जिस व्यक्ति की समस्या पर्सनली है उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कोर्ट के थ्रू भी करवाने का हम काम करेंगे सभी साथियों का। जो वकील है आप लोगों के, उन वकीलों को आप लोग कर लीजिए, बाई चांस किसी को दिक्कत आती है तो, ये बात मैंने आप लोगों से कही थी। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और जो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके मुद्दे जो जो है वो व्हाट्सअप करें अपने मुद्दे, सीएचओ में परिवेदना वाले जो लोग हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, प्लस जो सीएचओ के अंदर जितने भी साथी लोग हैं अपनी अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें मेल करें कि किस लिए सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया। हम लोग उनकी एक लिस्ट बनाई है, तो कुछ लोगों की लगभग 60 के करीब स्टूडेंट्स तो जाति प्रमाण पत्र वाले थे, तो जोधपुर और कोटा वाला जो समाधान करवाई दिया लगभग, जिन बच्चों के गलती से सस्पेंड में गए थे कि भाई कई सेंटर्स पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर्स पर जैसे यूँ हुआ था कि कईयों पर हो गया और कईयों पर दिक्कत आई थी, तो उनका सबका कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनके अदर सेंटर्स पर हुए हैं उन तो
उनको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि और सेंट्रो पेज इनका हो गया है तो औरों का भी पॉजिटिव ही होगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आ जाइए आप सीएचओ की मेन चीज की भी लिस्ट कब तक आएगी। कई साथी इसलिए काफी समय से व्याकुल हैं कि भाई हमारी लिस्ट कब आ रही है, लिस्ट कब आ रही है, भाई साहब जल्दी से जल्दी रिजल्ट डलवाइए। तो साथियों मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि 26 और 27 लास्ट है, 26 और 27 से पहले पहले इसकी परिवेदनाओं का भी जो परसों तक आ जाएगा निर्णय, उसके बाद जो भी कोर्ट में चलता है या जो भी जैसे भी मामला होता है वो भी हम लोग करवाएंगे, प्लस उसमें ऑनलाइन पोर्टल का भी खुलता रहेगा, उससे पहले एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी 26 या 27 को। इसके अंदर सीएचओ की जो लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा और 25 को भी आ सकती है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि परसों कमिटी की आएगी, जो भी रिपोर्ट आती है कि भाई इसमें किन किन लोगों को वैलिड किया गया, किन किन लोगों को इनवैलिड किया गया है, और इसमें भारत सरकार की गाइडलाइंस की उन्होंने कहा है कि हम लोग पालना करेंगे, हम नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते, जो नियमों में था वही नियमों में रखा जाएगा, ये उन्होंने कहा है। जबकि जो चीज़ें नेगेटिविटी हो सकती है कि भी कल को कुछ लोगों का नहीं होने का चांस रहे, कुछ भी हो, तो हम लोग चाहे न्यायालय के थ्रू आप लोगों को एलिजिबल करवाए या कुछ भी करें, सब तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे, कुछ भी मतलब आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे, सब तरीके से आप लोगों का साथ देंगे, आपका भाई आप लोगों के लिए खड़ा है। और 25, 26, 27 इन 3 दिनों में एक दिन जो फाइनल सूची है वो जारी कर दी जाएगी जो सीएचओ की, और आप लोगों को 1 मार्च या 2 मार्च या 3 मार्च लास्ट इन 3 दिन में आप लोगों का बैच शुरू कर दिया जाएगा। किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी को अपने अपने सेंटरों पे ही अपने अपने गृह जिलों में ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे, उन्हीं पे ट्रेनिंग होगी। मेरे छोटे भाइयों को मैंने आज दिन में वहाँ सचिवालय में जब बैठक थी तो वो लोग आए थे, तो उन्होंने पोस्ट भी डाल दी होगी कुछ एक ने, तो आप लोगों तक मैं स्पष्ट रूप से जो एनएचएम एमडी साहब से जो वार्ता हुई थी दिन में वो भी मैं आपको बता दी है, प्लस एनएचएम के जो हमारे जैसे एनएचएम के लिए जो उदय मीणा भाई और कुछ लोग आए थे मेरे साथी भाई छोटे भाई जो संघर्ष कर रहे हैं। चलिए ये तो सारे बयान थे जो भरत बेनीवाल जी ने दिए थे, अब मैं आप लोगों को कोर्ट की कॉपी दिखा देता हूँ। जो ये लोग ये बोल रहे थे कि कोर्ट में केस नहीं हुआ, ये जो आप लोगों के सामने स्लाइड चल रही है इसके अंदर आप लोगों को बता दूँ जो 22 फरवरी को जो सुनवाई हुई है, नेक्स्ट हियरिंग जो आप लोगों को सामने दिया हुआ है 22 फरवरी को, उसके बारे में सारी जानकारी है। साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जितने भी ऑर्डर जारी किए गए हैं कोर्ट के द्वारा इस मामले के अंदर, वो आप अंतिम रूप से इसके अंदर देख सकते हैं। तो जो 22 फरवरी को जो नोटिस आया था उसके बारे में अपन अब जानकारी पूरी लेंगे। तो ये है वो पीडीएफ जिसके बारे में आप लोगों को बात कर रहा था, ये कोर्ट की पीडीएफ है जिसके अंदर केस से जुड़े हुए जितने भी पिटीशनर थे, जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई हुई थी, जो पहली पीडीएफ आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, उसके अंदर सभी जो पिटीशनर थे उन सभी पिटीशनर की जानकारी इसके अंदर दी हुई है जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। तो जितने भी लोग ये बोल रहे थे कि केस नहीं चल रहा है कोर्ट के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अंतिम रूप से फैसला आया है इसके अंदर आप लोगों के सारे डाउट इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने ये पीडीएफ दिख रही है, इसके अंदर सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है कि किन किन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी और किस किस हिसाब से उन लोगों की एप्लीकेशन की सुनवाई की गई थी। सारे ऑर्डर वाइज जो व्यू था मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि आप लोग किस हिसाब से ऑर्डर पहले ही सुनवाई से चेक कर सकते थे इसके बारे में। तो ये जो पीडीएफ है इसके अंदर जितने भी पिटीशनर थे उनकी जानकारी है। तो आगे जो देखेंगे उसके अंदर देखेंगे कि क्या फैसला आया है, अंतिम रूप से जो फैसला आया है जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है वो क्या खुशखबरी है, उस पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो अगली पीडीएफ है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो सुनवाई की है उन्होंने अपने पॉइंट वाइज जो डिसीजन है इस मामले के अंदर सुनवाए हैं। आप लोग इस पूरे मामले की जो पीडीएफ है वो ई कोर्ट से डाउनलोड करके पूरी पीडीएफ को भी देख सकते हैं आप लोग वहाँ से। कोर्ट ने कई फैसले सुनाए हैं जिसके अंदर जो मेन फैसला सुनाया था उसके अंदर चौथे पॉइंट के अंदर आप लोगों को बात बताई गई थी कि जो इस मामले के लिए जो लोग भी जिम्मेदार है कोर्ट उनको डायरेक्ट करता है कि कट ऑफ जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ को जारी किया जाए, साथ ही साथ कितने दिनों के अंदर यानी कि आज से 7 दिनों के बाद में कट ऑफ लिस्ट जारी की जाए। कट ऑफ लिस्ट कौन सी जारी करानी है कि जो ये फाइनल लिस्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो आप लोगों की फर्स्ट लिस्ट आई थी उसके लिए जो रोल नंबर वाइज और कट ऑफ का जितना भी मामला चला था उस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि आप लोगों को कट ऑफ जारी करनी पड़ेगी, यानी रोल नंबर से काम नहीं चलेगा और 7 दिनों के अंदर अंदर ही आप लोगों को कट ऑफ जारी करनी पड़ेगी। जो दूसरा इन्होंने लिखा था वो लिखा था कि इसके पिटीशन के बारे में जितने भी जो ये जो पिटीशन लगाई गई थी उसको डिस्पोज कर दिया गया है अब, और जितने भी स्टे लगाए गए थे उन सभी को स्टे को डिस्पोज कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन लोगों ने जो बड़ी चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अब इन लोगों को 7 दिनों के अंदर ही अंदर इस जो कट ऑफ है उसके बारे में फैसला लेना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों की, जितने भी आप लोगों को सभी को डाउट था कि हमारे नंबर ज़्यादा होने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया, तो जो कट ऑफ जब जारी की जाएगी तब सभी लोगों के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। कई लोगों का ये भी था कि एसटी के अंदर लास्ट कितने का हुआ है, एससी के अंदर लास्ट कितने का हुआ है,
दोस्तों ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाने वाले हैं अगले 7 दिनों के अंदर। आप लोगों की कभी भी कट ऑफ जारी की जा सकती है, पहली लिस्ट वाली कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके तुरंत ही बाद ही आप लोग मान के चलिए कि जो NHM है उस मामले को ज़्यादा नहीं खींचना चाहेगा, तो उसके तुरंत बाद ही आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये पूरी वीडियो थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। CHO से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी बड़ी छोटी अपडेट है हम आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को वही न्यूज़ दी जाती है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसका जानना आप लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।